क्वेश्चन नंबर 11। इन द ट्राइंगल एबीसी, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सो डू दिस वेरी केयरफुली। एनी डाउट बेटे? गुड जॉब। पूछना है कुछ? इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, आपको दो ट्राइंगल्स गिवन है, एबीसी एंड डीईएफ। इसमें आपको गिवन है ए बी इक्वल टू डी ई एंड ए बी पैरेलल टू डी ई, पैरेलल भी गिवन है और इक्वल भी गिवन है। बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल ई एफ। वर्टिसेस ए बी एंड सी आर जॉइंट टू द वर्टिसेस डी ई एफ रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए को डी के साथ ज्वाइन किया गया, बी को ई के साथ, सी को एफ के साथ, क्योंकि रिस्पेक्टिवली गिवन है। सो यू आर टू शो दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, ए डी पैरेलल सी एफ एंड ए डी इक्वल टू सी एफ, क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, ए सी इक्वल टू डी एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये सारे पार्ट हमें क्या करने हैं? प्रूव करने हैं। हाँ जी, हाँ काइंड ऑफ बन रहा है वो। हाँ जी, देखो हमें क्या क्या गिवन है, ये कर दो इरेज। हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, और इस वे में गिवन है कि उनकी जो साइड्स हैं जो उन्होंने हमें दी हुई हैं, दे आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। दिस इज योर ए बी सी ट्राइंगल, ए बी जो है वो हमें डी ई के पैरेलल गिवन है, अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू डी ई, दिस इज योर ए बी, दिस इज इक्वल एंड पैरेलल टू डी ई। अब वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल एंड पैरेलल है देन इट इज अ पैरेललोग्राम, तो ए बी डी ई डी, ए बी ई डी क्या बन जाएगा आपका? पैरेललोग्राम। ठीक है, सेकेंड कंडीशन उसने हमें क्या गिवन है, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल ई एफ, दिस इज योर बी सी, दिस इज योर ई एफ, अगेन ये आपको इक्वल एंड पैरेलल गिवन है, तो बी सी ई एफ आपका क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब एक आपका बन रहा है ये ए डी बी ई। हाँ जी, और एक ये बन रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना है इसको, ए डी बी ई के इक्वल और पैरेलल होगी क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, यहां से बी ई जो है वो सी एफ के भी इक्वल और पैरेलल हो गई क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बन रहे हैं, अब बी ई इसके भी इक्वल और पैरेलल, बी ई इसके भी इक्वल और पैरेलल, तो ये दोनों भी इक्वल एंड पैरेलल हो जाएंगे। अगर अगेन वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल बन रही है तो दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमने एक हमें जो गिवन था ए बी और डी ई, ये हमें इक्वल और पैरेलल गिवन थी, पहले हमने इससे इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया यूजिंग इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि आपको पता है पैरेलल लाइन के बीच में जो हम डिस्टेंस लेते हैं दैट इज इक्वल, तो अगर ये लेंथ इक्वल है ये वाली और ये लाइंस पैरेलल हैं तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा दैट विल बी अ पैरेललोग्राम। सेम कंसेप्ट हमने यहां लगाया, हमें गिवन था बी सी ई एफ के पैरेलल और इक्वल है, तो ये वाला आपका क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। अब दो पैरेललोग्राम्स हमने शो कर दिए, अब इनसे हमें क्या मिल रहा है कि जो बी ई है आपका वो इक्वल एंड पैरेलल है सी एफ के भी और ए डी के भी, यानी कि ए डी और सी एफ आपस में इक्वल भी हो गए और पैरेलल भी हो गए। ठीक है, हमें कंडीशन पता है अगर एल एम के पैरेलल है, एल एन के पैरेलल है, तो एम और एन आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो सेम वे में क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बन रहा है तो इनकी लेंथ्स भी इक्वल होंगी, तो ये क्योंकि लेंथ्स इक्वल और पैरेलल है तो ये वाला जो आपका है ए सी एफ डी, ये हमारा क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। क्लियर? अब पैरेललोग्राम की, हां जी
दोबारा देखो, बीई सी एफ के इक्वल और पैरेलल, ठीक है, हाँ जी, थ्री में नहीं, टू में बीई कॉमन आ रहा है, तो बीई जिनसे कॉमन आ रहा है उनसे ये दोनों इक्वल हो, वही बता रही हूं अभी मैं, देखो बीई सी एफ के इक्वल और पैरेलल है, ठीक है, बीई एडी के इक्वल एंड पैरेलल है। अब जब ये लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो ये राइट हैंड साइड्स इक्वल आ गई, सी एफ और एडी हमने क्या शो कर दिए, इक्वल है। सेम वे में जब ये लेफ्ट हैंड साइड्स आपकी हैं तो ये दोनों भी होंगी पैरेलल। अब यहाँ क्या है, सी एफ इक्वल एंड पैरेलल टू एडी, तो इट मींस सी एफ डी ए इज अ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, यानी ए सी किसके इक्वल आ गया, डी एफ के। सेम वे में ये आपका पैरेललोग्राम था तो यहाँ से ये हमें इक्वल ऑलरेडी गिवन था, उसके बाद बी सी ई एफ ई पैरेललोग्राम है तो ये साइड किसके इक्वल आ गई, इसके। अब ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ में तीनों साइड्स जो हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, ये वाली इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, बायसेस कॉन्ग्रुएंट। क्लियर, तो ये हमने जो है वो सारा प्रूफ करना है, कंसेप्ट क्लियर है क्या करने। चलिए गिवन में बताइए क्या आएगा, यस राइट इट डाउन, ए बी इक्वल टू, पहले हमें पैरेललोग्राम वगैरह तो नहीं कुछ गिवन, क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ओके देन फाइन गिवन, टू ट्राइंगल्स गिवन है हमें, ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी इक्वल एंड पैरेलल टू डी ई, बी सी इक्वल एंड पैरेलल टू ई एफ, एनी अदर कंडीशन अप टू प्रूफ में, सिक्स पॉइंट्स आर देयर, तो वो सारे आप बुक में से एज इट इज लिख लीजिए। राइट डाउन देम फ्रॉम द बुक, फर्स्ट पार्ट में यू आर टू प्रूव, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में आपने पैरेललोग्राम्स प्रूव करने हैं, थर्ड पार्ट में साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, फोर्थ में अगेन पैरेललोग्राम, फिफ्थ में साइड्स इक्वल एंड सिक्स्थ में ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। राइट डाउन ऑल दीज सिक्स पॉइंट्स फ्रॉम योर बुक, where's your notebook, no need to open, are you not feeling well, go to the medical room then don't sit over here, haan ji, to go and take a rest over there only na, class mein baithoge to fir to teachers bache kaam karwayenge hi karwayenge, go to the medical room, have they made a call at your home, haan ji done bete, चले आगे, किसी को भेजूं छोड़ने के लिए, फाइन, चलिए नाउ वी आर टू प्रूव दीज थिंग्स, कोई बच्चा ऐसा जिसका नोट डाउन ना हुआ हो, सो प्रूफ में वी विल राइट डाउन, फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करने है आपको, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, so proof, yes, since क्योंकि ये हमें गिवन है, ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी पैरेलल डी ई, therefore ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, रीजन मेंशन कर देंगे, इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स is equal and parallel, then it is a parallelogram.
सो हियर यू हैव प्रूव्ड योर पार्ट वन। बीच में एक दो लाइनें छोड़ देना, जो भी हमें सीपीसीटी वाली कंडीशन रिक्वायर्ड हुई फिर हम यहां लिख लेंगे। सो दिस इज योर पार्ट वन प्रूव। इन द सेकेंड पार्ट व्हाट वी आर टू टेक बीसीई बीसीईएफ को पैरेललोग्राम प्रूव करने हैं। BEFC is a parallelogram. So since again यहाँ आप लिखेंगे since BC is equal to EF and BC is parallel to EF, therefore BEFC is a parallelogram. Same reason आ जाएगा यहाँ पे। It is a parallelogram. अब थर्ड पार्ट में AD parallel CF and AD equal to CF हमने शो करना है। अब यहां से लो ABED को हमने parallelogram शो किया तो इट मींस क्या लिखेंगे यहां पे AD is equal to, this implies AD is equal to AD BE के इक्वल आएगा एंड वो नेक्स्ट वाले में लिख देंगे AD पैरेलल CF। ठीक है, इसको ले लो इक्वेशन वन। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट में जहां जगह छोड़ी थी दो लाइंस की वहां लिख दो इसको। बाय सीपीसीटी दिस इंप्लाइज कहां बेटे, नहीं एडी पैरेलल बीई नॉट सी, अभी सी एफ प्रूव नहीं हुआ, बीई आएगा, मैंने गलत लिख दिया था। डन बेटा, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब यहां पे लिखो सेम वे में बाय सीपीसीटी सी एफ इज इक्वल टू बीई एंड सी एफ इज पैरेलल टू बीई। लेट दिस बी, दोनों को इकट्ठा ले लो वन एंड टू। So from 1 and 2, AD is equal to CF from 1 and 2, AD is equal to CF and AD is parallel to CF. So this is your part 3. यहाँ पे पार्ट थ्री प्रूव्ड हो गया आपका, समझ आ गया ये कैसे आया है? पार्ट थ्री प्रूव्ड। सो दिस इंप्लाइज ACFB is a parallelogram as a one pair of opposite sides equal and parallel. ACFB is a parallelogram as one pair of opposite sides फिर ये दोबारा लिखना पड़ेगा। Here, part 4 proved. Again, by CPCT, AC is equal to DF. क्योंकि parallelogram की opposite sides CPCT नहीं आएगा। यहां भी मैंने सीपीसीटी लिखवा दी है, सीपीसीटी मत लिखो क्योंकि हमने कुछ भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं किया है। रिमूव दिस बाय सीपीसीटी, यहां हम क्योंकि उसको पैरेललोग्राम शो कर चुके हैं तो ऑपोजिट साइड्स वो बन रही हैं। यहां बस दिस इंप्लाइज कर लो, दिस इंप्लाइज दैट। इसके बाद मैं उधर ऊपर लिख रही हूं, ये फर्स्ट फोर लाइन्स कर दू इरेज। यहां मेक द चेंजेस
बाय सीपीसीटी को कट कर दो और दिस इंप्लाइज दैट का दोनों जगह पे साइन डाल। अब ये हमने पैरेललोग्राम शो कर दिया, अगेन दिस इंप्लाइज दैट, आगे पार्ट फाइव वाली कंडीशंस लिख दोगे। सो दिस इंप्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू डी एफ, दिस इज योर पार्ट फाइव प्रूफ। अब दोनों ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट शो करनी है, तो दोनों ट्राइंगल्स ले लो, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, एबी इज इक्वल टू डीई, दिस इज गिवन, BC is equal to EF, again given. AC is equal to DF, proved above. All the sides we have shown are equal. So by SSS congruency, triangles are congruent. Hence proved. Done, bete. Bring your notebook to me and show me where you have written. Vatsal, not you, Vatsal. Bring your notebook to me. मैं अब लिख के खत्म